खरगोन जिले में जिरन्या थाना क्षेत्र के ग्राम सेमल खुद से मजदूरों को 2 माह पहले मजदूरी के लिए कर्नाटक ले जाकर बंधक बना लिया गया था, जिसकी शिकायत लेकर मजदूर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उचित कार्रवाई के नाम पर गुहार लगाई। बता दें, ठेकेदार 2 माह पहले लालच देकर मजदूरों को ले गया, जहां उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। इस दौरान पहचान के लिए व्यक्ति को मोबाइल फोन पर सूचना मिलने पर मजदूरों को आजाद करवाया। इस दौरान मजदूरों ने नामजद बताया कि उक्त 3 व्यक्ति हमारा शोषण कर रहे थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। वहीं प्रशासन ने जिरन्या SDM को मौखिक रूप से सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। हमको सर यहाँ से नवरता में लेके गए थे, 2 महीने का करके बोल के लेके गए थे कि 2 महीने काम करना है और खाना पीना आपका फ्री रहेगा। और वहाँ पर लेके गए और वहाँ पर जाके देखा तो किसी बहुत समस्या हमको रहने की समस्या, खाने की समस्या, पैसे भी नहीं दिए हमको कुछ, किसी को दिए और किसी को तो नहीं दिए, ऐसे ही काम कर रहे हैं क्या? और पानी में काम करवाते हैं हमको, और हमारे लड़कियों के साथ बहुत छेड़खानी करी उन लोगों ने, और वो 3 जन थे, जिनका एक ठेकेदार था सुनील बरोड़े, सुनील दराड़े और दूसरा विजय और तीसरा गोविंदा। इन्होंने ऐसी ऐसी हरकत कही कि आप बहुत गंदी बात है, मेरे साथ इधर चलना है, ऐसे बोलते लड़कियों को जंगल में चलना है, रात को उनको काम करवाते हैं और हमको अकेले को निकाल देते हैं, फिर पीछे से वो लेडीज़ों के साथ रहते हैं तो वो गलत व्यवहार करते हैं उनके साथ, किसी को बोलते हैं मेरे कपड़े धो दो, किसी को बोलते हैं कि मेरे को 21 दे दो। क्या बंधक बनाया था आपको, आने दे रहे थे? हाँ, वो हमने आना चाहा, बंधक बना लिया था, हमने आना चाहा तो हमको नहीं आने दिया, बोला नहीं। कैसे आए आप लोग? हमें सनावत में काम करता था, अंतिम भैया था थोड़ा हमारे जान पहचान के, उनके नंबर मेरे पास थे तो मैंने उनसे थोड़ा मोबाइल लगाया और एक भाई को मैंने पहले पहुंचाया था 15 दिन पहले, भाई को मैंने जाओ मैं मुसीबत में है, आप जाके अंतिम भैया को बोलना कि हम बहुत मुसीबत में हैं। फिर भाई आया तो भाई बोला मैं अंतिम भैया को देखा नहीं, इसलिए फिर मैंने फ़ोन लगाया अंतिम भैया को फ़ोन लगाया। उसके बाद अंतिम भैया फ़ोन उठाया, मैंने बोला अंतिम भैया हम बहुत मुसीबत में हैं, हमको यहाँ से ले जाओ नहीं तो हमको मार देंगे लोग, वो धमकी दे रहे थे और लेडीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, इसलिए फिर अंतिम भैया ने बोला ठीक है, उनकी बीबी से पूछा, अंतिम भैया ने बीबी ने बोला ठीक है जाओ, उनके पास पैसे नहीं थे तो बीबी ने बोला ठीक है मेरी जेवरात गिरवी रखो, उसके बाद उन्होंने गिरवी रखा और हमको लेने आए और आए वहाँ पर। हम मजदूर गए थे आप लोग? हम 15 से 16 जन गए थे, बच्चे भी साथ में हमारे थे, फिर वहाँ पर अंतिम भैया आए। अब यहाँ क्या करने आए? अभी कलेक्टर ऑफिस पहुँचे आप लोग? सर यहाँ पर आए थे, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ हमको इंसाफ दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश बघेल है। कहाँ रहते हो? मैं सेमल खुट रहता हूँ। मामला सर ये है कि ये सुरेश भाई बघेल है, मेरे सनावट में काम करते थे मेरे दामाद के पास में, तो इनसे मेरी जान पहचान हो गई थी, मेरे घर इनका आना जाना भी था, इनसे मेरी दोस्ती हो गई थी, तो नंबर हम लोगों ने एक दूसरे के एक्सचेंज कर लिए थे। ये कर्नाटक गए थे 2-2.5 महीने पहले गन्ना कटाई के लिए, कोई सुनील नाम का व्यक्ति है इनको लेकर गया था गन्ना कटाई के लिए, तो ये वहाँ गए। अभी मेरे पास इनका फ़ोन आया 4 या 5 तारीख को और इन्होंने कहा कि भैया हम यहाँ गन्ना काटने आए थे लेकिन हमारे साथ में यहाँ बहुत ही गंदी हरकत हो रही है, हमारी बच्चियों को रात में कहीं ले जाते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा करो ये करो, हमें पप्पी दो, महिलाओं को भी अलग रख लेते हैं, इनको अलग काम पर लगा देते हैं और आप हमारे को लेने आ जाओ। हमने बोला भैया हमारे 2 महीने हो गए हम जाना चाहते हैं, तो मैंने बोला कि आ जाओ 2 महीने हो गए, तो वो बोल रहे कि नहीं हम जाने नहीं देंगे, हमारा काम पूरा होगा जब जाना। क्या बंधक बना लिया? हाँ, तो ये बोले ये तो आने भी नहीं देते ना, हमारे को खाने के लिए पैसे दे रहे हैं ना कुछ, और सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक काम करवाते हैं। और मैंने कहा भाई ठीक है मैं यहाँ शासन प्रशासन से मदद लेता हूँ फिर आपको लेने आता हूँ, तो इन्होंने कहा कि भैया शासन प्रशासन सरकारी काम धीरे चलेगा, तो आप एक काम करो कुछ भी करो हमको लेने आ जाओ, नहीं तो हम 1-2 जन की यहाँ पे जान चले जाएगी, क्योंकि आए दिन इनके साथ में बच्चियों के साथ में इनके साथ में हरकतें होती हैं। लाए आप? फिर मैंने अपनी पत्नी से बात की तो मेरी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी रकमें देती हूँ, तुम इनको गिरवी रखो और उनको छुड़ा कर लाओ, हमारे देश के फौजी हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर बैठ सकते हैं, तो हमारे क्षेत्र के जो 15 लोग गए हैं इनके लिए मैं अपनी रकमें दे सकती हूँ, तुम जाओ इनको गिरवी रखो और किसी भी हालत में इनको लेके ही आना, खाली हाथ मत आना,
उसके लिए तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हो जाए तो परवाह मत करना, और इन 15 मजदूरों को और बच्चों को सकुशल लेकर आना और इनके परिवार के सुप्रत लगाना, जो भी होगा देखेंगे। अभी शिकायत करनी है आपने? अभी फिर मैं इनको वहाँ से लेकर आया हूँ, तो उन लोगों ने जब मैं इनको लेने गया तो मेरे सामने गोविंदा नाम का एक ड्राइवर है, वो एक बच्चे के साथ में छेड़खानी कर रहा था। मैं जैसे ही वहाँ गया, बच्चे दौड़ते हुए मेरे पास आई और बोले अंकल मुझे बचा लो। तो मैंने कहा ठीक है बेटा तुम जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। जब मैं गया वहाँ तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू यहाँ आया है, अच्छी बात है, अब तू इनको यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। एक काम हम कर सकते हैं, तेरे को पैसा चाहिए तो तू पैसा ले ले, लेकिन इनको यहाँ छोड़कर चले जा। मैंने पैसा लेने से इनकार कर दिया कि मैं इनको लेने आया हूँ, लेकर जाऊँगा, पैसा नहीं लूँगा। अच्छा, अभी कलेक्टर ऑफिस आप आए? कलेक्टर ऑफिस FIR करने आए कि हम साहब को हमारी बात बताएं और साहब फिर जो भी उचित मार्गदर्शन हमारे को बताएंगे वो हम करेंगे। हम तो पुलिस रिपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को आज के 21वीं सदी में बंधक बनाकर रखना 2 महीने तक, बहुत ही खतरनाक अपराध किया है उन्होंने, और अपने कब्जे में रखकर महिलाओं और बच्चों के साथ में इतनी खोटी और गलत हरकत करना। क्या नाम है आपका? हाँ सर, नाम क्या लिखते हैं? नाम मैं अंतिम पिता फत्तू जी, स्वर्गीय सिटोले। कहाँ रहते हो? मैं बढ़वा रहता हूँ सर। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।